क्या भोजपुरी के ब्यूटीफुल अदाकारा अक्षरा सिंह दे रही हैं खेसारी लाल यादव का साथ? जी हां, आज हम बात करें भोजपुरी की ब्यूटीफुल अदाकारा अक्षरा सिंह के बारे में, जानेंगे कि क्या वो दे रहे हैं खेसारी लाल यादव का साथ। जैसा कि आप सभी जान ही चुके हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव का एक दूसरे पर गाने चुराने का आरोप, और साथ ही वायरल हो रहा है इनकी रिकॉर्डिंग जिसमें रितेश पांडे खेसारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खेसारी लाल यादव रितेश पांडे पर। वैसे देखा जाए तो इन दिनों YouTube के हर भोजपुरी चैनल पर एक ही वीडियो वायरल हो रहा है, और वो है कि किसने किसका गाना चोरी किया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं भोजपुरी की ब्यूटीफुल अदाकारा अक्षरा सिंह जी के बारे में, जानते हैं वो दे रहे हैं किसका साथ और कर रहे हैं किसके पक्ष में बात। तो जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हां, तो चलिए अब हम बात करते हैं अक्षरा सिंह जी के बारे में। वैसे तो हर कोई इस सच को सामने लाने के लिए वीडियो कर रहे हैं वायरल, आप सभी इससे रिलेटेड बहुत से वीडियो देख ही चुके होंगे, लेकिन सच क्या है अभी तक किसी ने खुलासा नहीं किया है और न ही इसकी कोई ऑफिशियल खबरें सामने आई है। वैसे तो इस गाने के लिए हर कोई अपनी अपनी बातें बना रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस मैटर को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री की ब्यूटीफुल अदाकारा अक्षरा सिंह ने क्या कहा है। आपको बता दे कि गोरी तोर चुनरी 2 जिसे रितेश पांडे ने गाया है और लहंगा लखनऊआ जिसे गाया है खेसारी लाल यादव, इन दोनों गानों को लेकर ब्यूटीफुल अदाकारा अक्षरा सिंह जी ने कहा है कि ऐसा इस इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी का गाना चोरी करके गाना बिल्कुल नाइंसाफी है, सिंगर की पहचान तो आखिर उनके गाने से ही होती है, और यदि उनका उनसे गाना ही चुरा लिया जाए तो उनका सब कुछ छिन जाता है। हर कोई उनके गाने को देखकर ही उनके फैन बनते हैं, इसलिए किसी के गाने को चोरी करके उनके स्टारडम को खत्म नहीं करना चाहिए। कोई भी सिंगर अपने एक गाने को रिलीज करने के लिए खूब मेहनत करते हैं और अपना काफी कीमती टाइम भी देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक सिंगर के लिए उसका गाना ही सब कुछ होता है। हालांकि इस बात को अक्षरा सिंह ने ऑफिशियल किसी के लिए नहीं कहा है। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह के फैन पेज से इस बात को शेयर किया गया है। आपको ये भी बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री की ब्यूटीफुल अदाकारा अक्षरा सिंह वैसे तो खेसारी लाल यादव के बहुत बड़े फैन है, और उन्होंने इनके साथ बहुत से फिल्में भी कर चुकी है, और उनके कई गाने में आइटम डांस भी करते नजर आते हैं। वे उनके हर गाने को बहुत पसंद करते हैं और उनके गाने की तारीफ भी करते नजर आती हैं। वे कहती हैं कि इनकी आवाज में मानो जादू सा है और हर कोई इनके गाने का दीवाना हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वे रितेश पांडे के गाने को पसंद नहीं करते हैं। देखा जाए तो रितेश पांडे के भी अक्षरा सिंह बहुत बड़े फैन हैं। अक्षरा सिंह रितेश पांडे के साथ भी बैक टू बैक फिल्मों में काम करने वाली हैं। अक्षरा सिंह रितेश पांडे के भी उतने ही बड़े फैन हैं और उनके गाने को भी बेहद पसंद करते हैं और उनकी भी तारीफ करते नजर आते हैं। वैसे तो देखा जाए कि दोनों के ही वीडियो YouTube पर खूब धमाल मचाते नजर आ रही है और मिल रहा है दर्शकों का ढेरों प्यार, और भोजपुरी फैंस इसे बेहद पसंद भी कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि आप किनका साथ दे रहे हैं, रितेश पांडे की गोरी तोर चुनरी 2 का या खेसारी लाल यादव का लहंगा लखनऊआ का? तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।